बेटा इधर आओ, अरे इधर तो आओ। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रही थी? कहाँ रहती हो तुम? क्या किया इसने? अरे कुछ किया नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है। ये स्कूल नहीं जाती है क्या? स्कूल जाएगी क्या करेगी मैडम, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हमारे पास पैसा है, बस ये ईंट भट्टा ही हमारा जीवन है। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। बात सुनो तो सही, हम तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो कि उसका भी जिंदगी इसी ईंट भट्टे में गुजरे? अरे वो स्कूल जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी, तभी तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। मन तो हमारा भी है कि हमारी बिटिया स्कूल जाए, पढ़े लिखे, पर हमारा इतनी कमाई ही नहीं है कि हम इसको पढ़ा सके। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उसका दाखिला हम करवाएंगे। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने तक आसपास के किसी भी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और वहाँ पर दाखिला कराने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क और खर्चा नहीं लगता है। तो क्या हमारी बिटिया स्कूल जा सकती है? हाँ बिल्कुल, हर बच्चे को उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में दाखिला दिया जाता है, और सीधे से दाखिला लेने पर समकक्ष आने के लिए उसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाले बच्चों को 14 वर्ष की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तब तो हम इसका दाखिला जरूर करवाएंगे, रोज इसे स्कूल भेजेंगे, ताकि इसको हमारी तरह भट्ठे पे काम न करना पड़े। हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ रहती हो? यहीं पे रहते हैं, यहीं भट्ठे पे काम करते हैं, और हमारे पति शहर में काम करते हैं। ठीक है, तो फिर अब राधा भी स्कूल जाएगी। राधा स्कूल जाओगी ना, रोज जाओगी? चलो फिर राधा को तैयार करो, आज ही उसका दाखिला कराते हैं। आओ राधा। आज हमारी बिटिया रानी स्कूल जाएगी। चलो आज राधा का नामांकन कराते हैं। मैम ये राधा है और ये इनकी माँ है, ये भट्टे पे काम करती हैं और ये वहीं पास में रहते हुए हैं। तो मैं राधा को अपने साथ लेके आई हूँ ताकि आप इसका नामांकन करें, ताकि राधा भी बाकी बच्चों के साथ पढ़ सके। जरूर जरूर। राधा पढ़ोगी ना, रोज स्कूल आओगी ना? बेटा नाम क्या है आपका? राधा। अब आप इसका एनरोलमेंट यहाँ करा रही हैं ना, तो जब हम इसका लिख के देंगे तो बिटिया का आप अकाउंट नंबर आराम से खुलवा सकती हैं। ठीक है, इनका आधार नंबर बनवा दीजिए, और इनका ड्रेस, जूता मोजा, खाना पीना, किताब, सब जिम्मेदारी हम लोगों की, और पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी अब हमारी है। बिटिया आपकी है, पर सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों के चलते बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सभी आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल ना जाने वाले बच्चे तथा ड्रॉप आउट यानी स्कूल में नामांकन होने के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को चिन्हित करना है। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो नहीं आते हैं। बच्चे बहाने करके छोटे हैं ना, तो वो गेट से निकल जाते हैं, फिर वो खेलते हैं। तो आप जो है ज़रूर हम लोगों से कंसल्ट करके पूछा करिए मैम स्कूल में है कि नहीं। जैसे वो ऋतिक की मम्मी पीछे, वो बहुत अच्छी पेरेंट, ऋतिक मम्मी जरा इनसे मिल लीजिए, खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या करती हैं। जब आपका बच्चा स्कूल नहीं आता या चला जाता है, तब आप कैसे रिएक्ट करती हैं, बताइए जरा। अपने बच्चे को सवेरे तैयार कर देते हैं, जाइए बच्चे स्कूल को, बच्चे मेरा स्कूल आ जाता है तो दूर रहते हैं, तो मैं तेरा फोन कर देते हैं, मैं मेरा बच्चा पहुँचा कि नहीं, तो मैं उनको बता देती हैं आ गया है। तो हमें ऐसे करना, ठीक है ना? अब राधा की तरह ये भी खूब बढ़ेगा, अब रोज स्कूल आना और इसका ख्याल रखना, ठीक है? अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है,
तो विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य साथ ही साथ अध्यापकों को पता करना चाहिए कि किस कारणवश ऐसा हुआ है और ये प्रयास करना चाहिए कि सभी बच्चे रोज स्कूल आएं, जिससे उनकी शिक्षा बाधित न हो। आसपास या विद्यालय परिक्षेत्र में सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने के साथ साथ बच्चों का विद्यालय में पंजीकरण, नामांकन, उनका आकलन तथा ट्रैकिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिले। पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल रोज नहीं आते हैं, माँ बाप उनसे घर का काम करवाते हैं। ऐसे माँ बाप से बात होनी चाहिए।